आज के महासंघ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली सब टीवी हमेशा कहते हैं कि सबके साथ देखो, सब अपनी फैमिली के साथ देखो, तो वो बिल्कुल नहीं चूकते हम सबको मिलाने के लिए। भले ही हम अलग अलग शोज डिफरेंट शोज में काम कर रहे हैं, बट एक महासंगम एपिसोड ऐसा होता है जिसमें यू गेट टू मीट यू नो अदर एक्टर्स, तो सब साथ में होते हैं और वो मिलके सब टीवी पर आते हैं, जिसको हम महासंगम कहते हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है वो तो काफ़ी जिद्दी है, काफ़ी यू नो बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाली लेडी डॉन टाइप है, तो आप रियल लाइफ में वैसी हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं रियल लाइफ में डरती तो नहीं हूँ, बट करिश्मा जितनी फेयरलेस नहीं हूँ। करिश्मा इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी, बट आई मस्ट से कि मैंने करिश्मा से आई हैव लर्न्ड अ लॉट लाइक बेसिकली द पावर दैट करिश्मा हैज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होता है ना, तो जो चीज़ें आप नहीं भी कर पाते वो भी कर जाते हो, बिकॉज हियर यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं कर लूँगी ये, तो वो हो जाती है चीज़ें, यू नो। सो करिश्मा तो मैंने एक्सप्लोर किया अपने अंदर से कि शिट, मैं इतना गुस्सा भी कर सकती हूँ लाइफ में, मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, तो नहीं मैं करिश्मा से बहुत अलग हूँ, अपोजिट। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि कौन सा गाना है और क्या डांस स्टेप्स है अभी तक तो, और अभी मुझे पता चला है कि इसमें उन्होंने 4 नेट अंदर लगा रखे हैं जिससे मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड में तो सब अच्छा ही होता है, तो आई एम श्योर सब अच्छा ही होगा। आपके लिए कितना कंफर्टेबल होता है? लाइक सी डांसिंग हैज बीन माई वन ऑफ माई हॉबी, सो डांस तो हो ही जाता है यार, हम किसी थोड़ी सी भी हमें खुशी मिलती है, व्हाट डू वी डू, वी डांस राइट, तो वो हो जाता है व्हेन यू डू इट विद ऑल योर हार्ट, इट जस्ट यू नो हो जाता है। पीपल आर गिविंग सो मच लव टू मैडम, आई नो, क्या कहना चाहोगे? न्यू एंट्रीज भी हो रही है, काफी सारे उतर-उतर से हुए, क्या हुआ ना दैट टाइम स्लॉट्स हमारे बहुत चेंज हुए, फिर बीच में कोविड आ गया, सो इससे क्या हुआ ना, वो हाई जाते जाते हम लो जाते चले जाते हैं, तो जो न्यू एंट्री आई है वो बहुत ही पावरफुल एंट्री है हमारे शो के लिए, बिकॉज इट्स अ रोबोट, इंसानी इंसान के रूप में एक रोबोट आया है, एंड चिल्ड्रंस विल लव इट, क्योंकि उनको मज़ा आता है ना देखने में ऐसा कुछ चीज़ें, और वो रोबोट को हमें जज्बात सिखाने, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो ये एक जो सबका अलग अलग फ्लेवर्स निकले हैं सबके उसके साथ, आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट। फैंस, एक सेकंड, तो जो रिसेंटली अभी दिल्ली में यू नो एक छोटा सा सीन हो गया था कि सारी में आप नहीं अलाउ कर सकते, तो आपके शो में भी एक सीन एपिसोड देखने मिला रिसेंटली, राइट? हमारे एपिसोड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो हर एक स्टोरी रियल होती है, रियल जो भी हाँ होते हैं उन्हीं से ही उठाया जाता है, और ये साड़ी वाला भी हुआ था, और जिसको बहुत खूबसूरती से बताया कि साड़ी नारी का गौरव होता है, और गौरव को बैन नहीं उस पर गर्व किया जाता है, तो ये चीज़ है। आई लव इट यार, लड़कियों को लहंगा साड़ी कितना पसंद होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिटी पीच कलर लहंगा, और प्यारे प्यारे इयररिंग्स दे दिए, थोड़े से हमने बाल संवार लिए, वो उसमें तो मेरे बाल ऐसे कि कस के ऐसे बना देती दीदी, सो कुछ डिफरेंट आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। फैंस को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत प्यार भेजते हो, मुझे आपके गिफ्ट्स आपके लेटर्स रोज़ मिल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सोनी लिव की जगह सब टीवी पर शो देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है मतलब लोग तो बहुत देख रहे हैं, सो प्लीज़ वॉच इट ऑन सोनी सब एट 7:30 PM, ओके? थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।